हेलो गाइस, फैक्ट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कावासाकी W175 के बारे में। डिजाइन सेगमेंट के भीतर आजकल मार्केट में बाइक निर्माता कंपनियां अब नए सेगमेंट वाली बाइक को लॉन्च करने में लगी हुई है, जहां हाल फिलहाल में कावासाकी कंपनी ने अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी और नए डिजाइन के साथ मार्केट में अपनी नई बाइक W175 लॉन्च कर दी है, जो काफी कम कीमत के साथ आकर्षक डिजाइन में उपलब्ध हो चुकी है। और आप भी इस साल 2023 में ऐसी ही बाइक खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है। कंपनी ने इस बाइक को यामाहा की अपकमिंग बाइक RX 100 के कंपटीशन के रूप में मार्केट में उतारा है। इस बाइक में कंपनी ने बेहतरीन फीचर्स और आकर्षक डिजाइन का इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद से ये आधुनिक डिजाइन सेगमेंट में काफी चर्चित मानी जा रही है। इस बाइक का मुकाबला भारतीय बाजारों में बड़ी कंपनी जैसे बुलेट से हो रहा है, जहां W175 का डिजाइन निश्चित रूप से और बाइक की तुलना में काफी बेहतर माना जाता है। वो वजन में भी इन बाइक की तुलना में काफी हल्की है। इस बाइक के कुछ फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया है, जो सिंगल चैनल ABS से लैस है, और रियर में ड्रम ब्रेक है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 12 लीटर की है और इसका माइलेज 45 किलोमीटर पर लीटर का बताया जा रहा है। स्पीडोमीटर एनालॉग दिया गया है इसमें। इस बाइक के इंजन की बात करें तो इस बाइक में 177 cc का एयर कूल्ड इंजन दिया गया है, जो BS6 को फॉलो करते हुए 12.8 bhp की पावर और 13.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इस बाइक के इंडिया में प्राइस की बात करें तो इस बाइक की शुरुआती कीमत 182,000 रुपये है। और आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आने वाले नए अपडेट्स और उनके शॉर्ट रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।